खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत थाना झनकैया पुलिस ने 10 पेटी नेपाली लाइटर और एक ऑल्टो कार सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल उधम सिंह नगर जनपद में अवैध तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर एवं क्षेत्राधिकारी खटीमा के निर्देशन में थाना झनकैया पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा अलग अलग स्थान पर दो व्यक्तियों को नेपाल से अवैध तरीके से लाई जा रही नेपाली लाइटर की 10 पेटियों के साथ हिरासत में लिया गया है, जिन्हें अग्रिम कार्यवाही हेतु मई माल के कस्टम विभाग के सुपुर्द किया जा रहा है। नेपाली लाइटर की 10 पेटियों में 10,000 लाइटर जिनकी कीमत करीब 0.1 लाख रुपए और अवैध तस्करी में प्रयुक्त कारल को पुलिस ने बरामद की। इस दौरान दो व्यक्तियों अमित कुमार पुत्र श्रीराम निवासी नौजिया, गगन यादव पुत्र भरीगुराशन निवासी ससैया मेलाघाट थाना झनकैया को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए थाना अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर दो अलग अलग जगह से 10 पेटी लाइटर के साथ दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया और बरामद माल को कस्टम के हवाले कर दिया जाएगा। दरअसल क्षेत्र में जब से थाना अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार जोशी की तैनाती हुई है, तब से तस्करों के विरुद्ध चलाया गया अभियान में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। उधम सिंह नगर खटीमा से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। उच्च अधिकारी के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान जारी रहता है। आज भी चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दो अलग अलग स्थानों से नेपाल से तस्कर कर लाई जा रही नेपाली लाइटर बरामद हुई है, जिसमें एक व्यक्ति कब्जे से 2 पेटियां तथा दूसरे के जो कार है उसमें से 8 पेटियां बरामद हुई हैं। बरामद माल को कब्जे पुलिस लिया गया है, जिससे नियमानुसार कस्टम विभाग के सुपुर्द किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई कस्टम विभाग द्वारा की जाएगी।